क्या आप जानना चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और इसमें किस तरह के करियर्स होते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो जरूर देखें। वेलकम टू अलोहमुरास करियरशाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट युवा। करियरशाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट से और जानते हैं अलग अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे साइबर सिक्योरिटी। हमारे साथ है चैतन्य भैया जो की माइक्रोसॉफ्ट में प्रिंसिपल इंजीनियर है और 15 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। अगर आपके पास अभी डायरी और पेन नहीं है तो अभी पॉज करके लेके आए। भैया ये साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? आपके पास स्मार्टफोन है या आपका जो एंड्रॉइड फोन है, उस एंड्रॉइड फोन में मानिए कि आपको कैसे पता है कि कोई और हैकर नहीं घुस गया, आपको कैसे पता है कि किसी ने आपकी फाइल्स नहीं चुरा ली, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा बीच में। हो सकता है कि आप किसी को फोन करें तो आपको कैसे पता है कि जो आपने मैसेज भेजा है वो कोई और बीच में नहीं देख पा रहा। पेटीएम करते हैं राइट सब लोग, तो आपको भरोसा कैसे है पेटीएम पे कि वो पैसा एक्चुअली में बैंक में जा रहा है या बैंक से आ रहा है, या आप बैंक में EFT करते हैं कि आप अपना सारा डेटा फेसबुक को फ्री में दे रहे हैं, ठीक है ना? आप अपनी फोटो डाल रहे हैं उस पे, आप कहाँ पे हैं आप ये तक बता रहे हैं, आपने GPS का वो ऑन किया हुआ है कि चेक मी इन, मैं कैफे कॉफी डे में बैठा हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात है, चोरों के लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, कहेंगे भाई ये तो घर पे ही नहीं है, उठा लो इसका कंप्यूटर। सो आप ये सोचिए कि सबसे पहले सोशल मीडिया पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो शेयर कर रहे हैं वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट पे कोई भी चीज हमेशा के लिए रहती है, कोई भी आपकी डेटा यूज कर सकता है क्योंकि आपने पब्लिकली पोस्ट किया। ये सारी चीजें बैक एंड पर कंप्यूटर के थ्रू चलती हैं, आपका फोन भी कंप्यूटर ही है। आप सोचिए कि पूरी दुनिया का भरोसा ही कंप्यूटर से उठ जाएगा अगर आपका पैसा पेटीएम में से चोरी हो जाए। सोचिए उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो साइबर सिक्योरिटी का जो फील्ड है कि जरूरत यह है कि आप कैसे चीजों को चोरी से बचाएं, जो चीज जिसे दिखनी है उसी को दिखे, ताकि पूरी दुनिया का भरोसा और विश्वास बना रहे कंप्यूटर सिस्टम्स पे। साइबर सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त कंप्यूटर सिस्टम्स का पूरी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है। क्या आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ नया जाने? 30 सेकंड लेकर अपनी कॉपी में लिखिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो बैक करके वापस से समझें। आपको मतलब कब ये दिमाग में आया कि मुझे इस इंडस्ट्री में या फिर इस एरिया में जाना ही है और कहीं मेरे को नहीं जाना, सिर्फ इसी एरिया में ही जाना है मेरे को अब जाके लगा 20 साल बाद या 15 साल बाद काम करने के कि मुझे कुछ नया सीखना है क्योंकि मैंने बहुत टाइम टेक्नोलॉजी में काम कर लिया, मुझे कुछ और करना है। क्योंकि आपको हैकर बनने के लिए ऐसे टेक्निकली तो मैं एक हैकर हूँ, क्योंकि हैकर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, चीज कैसे अंदर से चलती है वो समझना होता है, बस यही मतलब है। तो इस सोच के हिसाब से मैंने सोचा कि मुझे मास्टर डिग्री करनी चाहिए कंप्यूटर सिक्योरिटी में, ठीक है, क्योंकि बहुत स्कोप है दुनिया में। IoT वगैरह बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब आपके फोन में हजारों चीजें लगी हुई हैं, अब आप फोन से अपना TV भी कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपना फोन से फ्रिज भी कंट्रोल कर रहे हैं, सैमसंग की फ्रिज आए हुए हैं मैंने देखे, वो टोस्टर भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब उसमें राम जाने क्या है अंदर, कितनी उसमें सिक्योरिटी है, क्या किसने सॉफ्टवेयर लिखा है, आगे जाके सारी चीजें बिल्कुल सत्यानाश हो सकती हैं। तो कुछ ऐसा पढ़ लो जिसमें कि अपनी नौकरी बनी रहे। What are scopes in it? देखिए इसका स्कोप तो बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में भी बताया कि हर चीज में अब कंप्यूटर लग रहे हैं तो हर चीज में चोरी होगी, ठीक है ना। इंसानियत इंसानों के बारे में एक चीज सही जा सकती है, तो जहां चोरी की जा सकती है वहां चोरी होती है। तो इसमें स्कोप तो बहुत है इसके लिए, लेकिन पढ़ाई जो है काफी सारी चीजें सीखनी पड़ती है। देखिए ये एक तरीके से एक एडिशनल लेवल है। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है कि आपको उस एप्लीकेशन को तोड़ना कैसे है वो आना चाहिए साथ में, कि कोड तो पढ़ना आना ही चाहिए, कोड समझना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, उसके ऊपर से और ये आना चाहिए कि भाई जिसने डेवलपर ने जो बनाया है उसमें क्या गड़बड़ उसने करी कि जिसको कि मैं एक्सप्लॉइट कर सकूं, कि मैं किसमें ऐसे तरीके से उंगली घुमाऊं कि बस वो गड़बड़ हो जाए सॉफ्टवेयर, कि जो सॉफ्टवेयर उसने सोचा नहीं था बनाने वाले ने, मैं उसमें से कुछ ऐसा कर दूं कि वो मतलब जो सोचा नहीं था वो हो जाए उसमें, ठीक है ना। तो इसके लिए मतलब आपको डेवलपर से ज्यादा समझदारी होनी चाहिए। ये एक फील्ड है, ठीक है ना, जैसे आप हैकर कैसे बनिए, ये नॉर्मली जो लोग करते हैं वो जैसे कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री कर करके, IT की डिग्री करके
और फिर उसमें कुछ स्पेशल कोर्स करते हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स हो गया, उसमें हो गया सॉफ्टवेयर को रिवर्स इंजीनियर करने का कोर्स, ठीक है, ऐसे उसके पार्ट्स होते हैं, वो तो एक टाइप का काम है। दूसरे टाइप का काम इसमें ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ, जो मैं आपको बता रहा था पहले, किसी ने पूछा था कि मैं बताया था कि ह्यूमंस सबसे वीक लिंक होते हैं, कि भाई आपको प्रोसेस फॉलो करने हो, लोग प्रोसेस ही नहीं फॉलो कर पाते कि भाई पासवर्ड सही रखने हैं, सेटअप सही करना है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऑपरेशंस के लोगों का काम होता है, जो ये डंडा बजा के लोगों पर काम कराते हैं कि ये ऐसे करना है, वरना हमारा पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बट्टा बैठ सकता है। वो दूसरा काम है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट काम होता है। तो ऊपर से नीचे तक हजारों तरीके के जॉब्स हैं ऐसे। अच्छा, चौथे ऐसे होते हैं जो आपका प्राइवेसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी के साथ। तो प्राइवेसी इटसेल्फ इज अ वेरी बहुत बड़ी बात है ना, कि आपका डेटा कोई क्यों ले लेगा। तो कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो कि प्राइवेसी के एक्सपर्ट होते हैं। आजकल सबसे बढ़िया बात है कि कुछ भी करने के लिए ये सब टूल्स फ्री हैं। आपको एक कंप्यूटर पे, एक आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और एक आपके पास वो काली लिनक्स करके टूल्स आते हैं, आपको वो कंप्यूटर पे लगा, वो फ्री होते हैं, सब ऑनलाइन होता है, तो आप बहुत सारी चीजें खुद सीख सकते हैं। बस आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए वो करने, आपको शौक होना चाहिए। एक बार आपके पास वो बेस स्किल आ जाए, फिर उसके बाद इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन होती है कि जो ये कहती है कि आप साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, वो तो अभी मैंने भी नहीं करी हुई, ठीक है, जिसे कहते हैं CISSP, कहते हैं सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल, ऐसे। लेकिन वो तब होती है जब आप ये सीख चुके हैं। सीखने के एंट्रेंस करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये इतना नया फील्ड है कि अभी ये पूरा कमर्शियलाइज नहीं हुआ। कि हम साइबर सिक्योरिटी में कई अलग अलग करियर्स के बारे में जानें, 30 सेकंड लेकर इनको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो बैक करके वापस से समझें। ये देखिए, प्रोजेक्ट आइडिया ऐसा है कि आप सब सबके पास ऑलमोस्ट एंड्रॉइड फोन है मेरे ख्याल से, ऐसा मेरे पास भी एक एंड्रॉइड फोन है। आपको क्या करना है कि इसके अंदर जाके सेटिंग ढूंढनी है जहाँ परमिशन होती हैं सारी एप्स, जो जो आपके पास एप्स हैं, आप देखिए कि उसके कौन कौन सी परमिशन अलाउड है और कौन कौन सी बाय डिफॉल्ट ऑफ है, डिनाइड है, और क्यों है, क्या जरूरत है उस ऐप को, ठीक है ना, जैसे विच एप्लीकेशन कैन यूज योर कैमरा और माइक्रोफोन, क्यों जरूरत है, ठीक है, कैमरा माइक्रोफोन की, कौन 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 सी ऐप्स के पास है, क्या उनको जरूरत है, क्या कर रहा है वो उस परमिशन के साथ वो ऐप, ठीक है ना, कौन सी एप्लीकेशन आपके डॉक्यूमेंट, आपकी PDF फाइल्स, आपके वर्ड फाइल्स, आपकी गूगल डॉक वगैरह को चेंज कर सकता है, क्या उनको ये एबिलिटी चाहिए इन ऐप्स को, जिस ऐप के पास ये है, आपको इसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए और अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए ये इम्प्रूव करना चाहिए, और जो चीज की जरूरत नहीं है उसको डिनाई करना चाहिए। और अगर वो ऐप डिनाई करने के बाद आप श्योर है कि उसको इस चीज की जरूरत नहीं है और आपने डिनाई किया और वो ऐप चलनी बंद हो गई, तो मेरे हिसाब से तो उस ऐप को हटा देना चाहिए, क्योंकि वो ऐप सोच के नहीं बनाई गई और एक इवेंचुअली वो आपके फोन में घुसने का तरीका है। तो दोस्तों, आज हमने क्या क्या सीखा? हमारी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, चाहे वो सोशल मीडिया पे शेयर की गई फोटोज हो, पासवर्ड्स हो या ऐप में दिए गए डिटेल्स हो, इन सबको सुरक्षित रखना ही साइबर सिक्योरिटी है। इसमें चार तरह के करियर हैं: इंजीनियरिंग और हैकिंग, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑपरेशंस और प्राइवेसी की रिसर्च। अपने फोन पे एप्स के परमिशंस देखने वाला टास्क जरूर कीजिए। इससे आप भी समझ पाएंगे कि आपके फोन की सिक्योरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है और आपका डेटा कितना सुरक्षित है। ऑल द बेस्ट।